जाहिर है इंसानों के हुकूक भी हैं, औलाद के हुकूक भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक भी हैं, अल्लाह के हुकूक भी हैं, और आप किसी सिलसिले में अगर दाखिल हो गए, इस मुआहदे के साथ दाखिल हो गए कि हम आपसी में सिलसिले में दाखिल हो गए, क्या मतलब हुआ उसका, क्यों दाखिल हुआ? सीधी सी बात है, आपने इस बात का ऐलान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अखलाक को पसंद फरमाया हम उस अखलाक पर अमल करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ईसार को आप पसंद फरमाया हम वो ईसार करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अल्लाह ताला का इरफान हासिल किया हम भी उस इरफान के लिए जद्दोजहद और कोशिश करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानों की जिस तरह तवाज़ो की हम भी उसी तरह मेहमान की तवाज़ो करेंगे, सखी होंगे, बखील नहीं होंगे। इसका रुब्बे लुबाब ये निकला, अगर नौ इंसानी को सुकून दरकार है, अगर नौ इंसानी हवालसात जमाने का लुकमा नहीं बनना चाहती, अगर नौ इंसानी सिसक सिसक कर मरना नहीं चाहती, तो सबसे पहले हर इंसान को यह सोचना होगा कि मैंने दूसरों के लिए क्या करना है, मैंने दूसरों के लिए क्या करना है, मैंने दूसरों के लिए क्या करना है।